महात्मा ज्योतिबा फुले फाउंडेशन के तत्वाधान में आरक्षण समर्थक प्रतिनिधि सम्मेलन में गर्जे आरक्षण समर्थक, आरक्षण भीख नहीं अधिकार। महात्मा फुले फाउंडेशन के बैनर तले संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार पिछड़े वर्ग को सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण की बात कही गई है, जो कि पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। आबादी 52%, आरक्षण 27% दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने मात्र 14% ही आरक्षण दिया है। ऐसा लगता है लोकतंत्र शासन व्यवस्था के 70 सालों बाद भी राजतंत्र की राजशाही लागू है। भारत देश हमेशा सील, सदाचार एवं अहिंसा के लिए जाना जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार पिछड़ों के हित के मुद्दों से दूर भागती नजर आ रही है। इन्हीं बातों को लेकर आरक्षण समर्थक लोगों ने एक सम्मेलन कर मांग की। आरक्षण ना ही कोई भीख है, ना ही योग्यता या अयोग्यता नापने का पैमाना, ना ही गरीबी हटाने का साधन है। आरक्षण एक राष्ट्र निर्माण में समाज के प्रत्येक वर्ग में आबादी के अनुसार भागीदारी निभाने की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा ने मध्य प्रदेश सरकार से मांग की, पिछड़े वर्ग आरक्षण को समुचित तरीके से लागू किया जाए, कर सके, समाज के अधिकार के लिए काम कर सके और इस देश में काम कर रहे हैं प्रवादा निभाने बाबू सिंह कुशवाहा जी। तो उनके विचारों को काम करने के लिए हमारे आदरणीय राजेश कुशवाहा जी ने दिन रात एक किया।